पौड़ी चार में बात करते हैं, साचा साहिब साचा नाई बाकिया भाव अपारू, ट्रू इज द मास्टर ट्रू इज हिज नेम स्पीक इट विद इनफाइनाइट लव, यानी वो सच्चा नाम है। यहाँ पर नाम की जो है उस परमात्मा की जो है भक्ति के बारे में बात आती है कि वो इतना प्यारा है और उसकी जो ग्रेस है वो इतनी डिवाइन है कि जब उसका अनुभव साधक को होता है ध्यान करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब वो नाम अपनी शक्तियां आपको बरसाने लग जाता है और वो इतना जबरदस्त नशा है दोस्तों, इतना प्यारा आनंद है जो इस संसार के सबसे बड़े जितने भी हैप्पीनेस होगी जितनी बड़ी खुशियां होंगी उससे भी वो कई लाख करोड़ अरब गुना बड़ा है। और उसको केवल एक साधक तब कह सकता है जब वो सच में अपने भीतर से एक बार उसका रस चख ले, और जिसने एक बार उसका रस चख लिया तो फिर वो डंके की चोट पर आकर के कहता है कि उससे बड़ा आनंद इस संसार में शायद ही कोई और होगा। आखई मंगई देही देही दात करे दाता, पीपल बेग एंड प्रे, जो लोग हैं वो उससे भीख मांगते हैं और प्रे करते हैं, गिव टू अस एंड द ग्रेट गिवर गिव हिज गिफ्ट्स, लोग उससे मांगते रहते हैं और वो देता रहता है। हम सब भगवान से क्या मांगते हैं, हम ये दे दो वो दे दो और भगवान हर चीज हमें देता रहता है, फिर भी जो है हम जो है भगवान की इतनी बड़ी दात के लिए भी हम कृतज्ञ नहीं होते, फिर भी कोई चीज हमारे जीवन में जैसे रह जाती है तो वहां पर हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। और नाम की शक्ति तब बढ़ती चली जाती है जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहेंगे, उतनी ज्यादा जो है ईश्वर की कृपा हमारे पर बरसती चली जाएगी। तेरी की अगे राखी है जतो दिसे दरबार, सो व्हाट ऑफरिंग कैन वी प्लेस बिफोर हिम बाय विच वी माइट सीथ दरबार ऑफ हिज कोर्ट, कि जो जो परमात्मा का यहाँ दरबार जो कहा गया उसकी सत्ता को कहा गया कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, ये वो कोई दरबार ऊपर कहीं आसमान में कोई मंदिर या गुरुद्वारा नहीं बना हुआ है, कोई चर्च नहीं बना हुआ, वहां पर जो है ये पूरा ब्रह्मांड जो है अनंत अनंत यही उसका दरबार है और उसकी दृष्टि से कोई बाहर नहीं है, कोई बच नहीं सकता, कोई जहां पर भी बैठा है और अच्छे या बुरे कर्म कर रहा है तो वो नोट हो रहे हैं। घट घट में प्रभु राम समाए, घट घट में वो ईश्वर की जो है उसकी शक्ति जो है वो बसी हुई है, एक छोटी सी चींटी भी कहीं है तो परमात्मा को पता चल रहा है कि वो है और वो उसके भीतर भी जीवन की ऊर्जा को संचालित कर रहा है। मुह की बोलाणु बोलिए जित सुने धरी प्यार, व्हाट वर्ड्स कैन वी स्पीक टू इवोक हिज लव, अपने मुख से उसके प्यार के बारे में हम क्या बखान कर सकते हैं। जिसने भी उस नाम के रस को चख लिया, जिसने भी उस साधना के उस लेवल को एक बार जान लिया और उस ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उस मिठास की उस रस की प्राप्ति कर ली, वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बता सकेगा। कहते हैं गूंगे का जो गुड़ का स्वाद होता है ना, एक गूंगे का मुख गुड़ लग गया, अब वो उसे बता ही नहीं सकता कि उसको क्या मिठास मिल रही है। और ध्यान में एक ऐसा आनंद जब आने लगता है, वो जो स्टेज आती है उसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत सारी तपस्या करने के बाद वो प्राप्ति होगी। और उसके बाद एक बार, सिर्फ एक बार जिसने एक घड़ी भर के लिए भी देख लिया, नानक जी कहते हैं एक घड़ी आधी से पुण्यात, मतलब एक सेकंड से कम समय भी, उससे भी कम समय में भी अगर आपने उसकी झलक पा ली, उस रस को अपने भीतर पा लिया, तो समझ लो आपका मोक्ष तय हो गया। उस दिन के बाद आप इस संसार में नहीं आ पाओगे, क्योंकि उसके बाद साधक जो है वो अपनी तपस्या छोड़ ही नहीं सकता। पहले तो एक क्षण के लिए ही उसका झटका लगेगा और उसे जरा सा अनुभव हो जाएगा, और एक बार जिसके मुंह को वो स्वाद लग जाता है फिर जो है वो उसको कभी छोड़ नहीं सकता। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचारो, इन द अमृत वेला, जो सुबह का समय होता है, द एम्ब्रोशियल आवर्स बिटवीन डॉन बिफोर डॉन, चैंट द ट्रू नेम एंड कंटेम्प्ट प्लेट हिज ग्लोरियस ग्रेटनेस। यहां पर कहते हैं अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, देखो वाणी ने यहाँ कहा है उसकी वडियाई को विचारो, उसकी जो बड़प्पन है, उस नाम की जो भक्ति है उसको विचारो। अब इंग्लिश ट्रांसलेटर जो है यहाँ पर लिखते हैं कि चैंट, चैंट का मतलब होता है कि बार बार दोहराना,
दोहराओगे तो आप उसको जो लिखने बोलने में आता है। और यहां कहा गया गुरबानी ने क्या कहा, विचार। गुरु नानक देव जी की जो लिखने की बोलने की जो वाणी थी, शायद मैं आपको सच्चाई बताऊं दोस्तों, मुझे पूरा ये भी नहीं पता कि जपजी साहिब एक्चुअली में लिखा किसने। मैं ये मानता हूं कि गुरु नानक देव जी ने दिया है और उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, और मुझे इतना ही नॉलेज है, मुझे यही सुनने समझने में आया है, तो मैं उतना ही बताता हूं दोस्तों। क्योंकि वहां उन्होंने जो लिखा, विचार, नाम की बढ़ाई को विचार करना। अब विचार आप कैसे करोगे, विचार तो मन से किया जाता है, अब मन से उस नाम को कैसे विचारोगे, यानी कि आप इसकी अगर गहराई को समझो, इसकी पूरी साइकोलॉजी को समझोगे, तो नाम को विचारना लिखा गया। नाम वहां जाप भी लिखा जा सकता था, अगर हिंदी में लिखना है या पंजाबी में लिखना है, वहां वडियाई विचारू की जगह वहां पे वडियाई जाप भी लिखा जा सकता था, वडियाई को सिमरण भी लिखा जा सकता था, वहां विचार लिखा गया। विचार हमेशा मस्तिष्क से किया जाता है, अपने मन से किया जाता है। और जब आंख बंद करके उस नाम की वडियाई विचारोगे, यानी इसमें केवल आप उस नाम के साथ जुड़ पाओगे, उसे याद कर पाओगे और उसको स्मरण कर पाओगे, उसको स्मरण करने से ही, और जब गुरु की दीक्षा हो जाती है तो उसके बाद तो नाम आपका स्मरण करता है, आप नाम का स्मरण कर ही नहीं सकते। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचिया, बाय द कर्म ऑफ पास्ट एक्शंस द रोब ऑफ हिज फिजिकल बॉडी आई ऑब्टेन्ड बाय हिज ग्रेस द गेट ऑफ लिबरेशन इज फाउंड। कि वहां से ही जो है आपको मुक्ति का द्वार आपका जो है वो खुलेगा। नो हिज वेल द ट्रू वन हिमसेल्फ इज ऑल। जब आपने उसको जान लिया तो जो ट्रुथ है वही सब कुछ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपके जानने के बाद आपको पता लगता है, आपके जानने से पहले इसकी सच्चाई का नहीं पता लगता। क्योंकि हम तब तक जो है हम मूर्ति पूजा करते रहते हैं, हम बहुत सारे आडंबर करते रहते हैं, कोई व्रत करता है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, लेट लेट कर जो है भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, वो सब भक्ति में आते हैं। परंतु उस सारी भक्ति के फल स्वरूप आपको समझना, भक्ति के फल स्वरूप ही आपको जो है सच्चा नाम का ज्ञान मिलेगा, और गुरु आपके जीवन में अपने आप एक दिन आ जाते हैं। और इस राह पर चलते चलते ही, इस राह पर चलते चलते आपको इतने संगी साथी मिलेंगे जो आपको एक दिन तक जो है फाइनल डेस्टिनेशन पे आपकी पहुंचा देंगे। और ये तो उस परमात्मा की सबसे बड़ी ग्रेस है कि वो सिर्फ कोई संकल्प भर कर ले। भागवत कहती है कि भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि अगर तुम एक कदम चलते हो तो मैं 60 कदम चलता हूं, यानी कि तुमने एक विचार किया मेरे को प्राप्त करने का तो मैं 60 विचार करूंगा तुम्हें प्राप्त करने के। तो ये सब जो है एक भावनात्मक बातें हैं, परंतु सच्चाई ये है कि जैसे ही कोई साधक अपने मन से इच्छा मात्र करे, आजकल 100 में से 99 लोग जो है वो इच्छा भी नहीं करते कि उनको परमात्मा चाहिए। उनका तो जीवन ही केवल इतना है कि सुबह उठना है, नहाना है, धोना है और अपने काम पे जाना है और पैसे की भाग दौड़ में लग जाना है। केवल पैसा ही इस संसार का बहुत बड़ा भगवान बन चुका है दोस्तों। जीने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है, मैं इस बात को मानता हूं, और पैसा हर इंसान को कमाना चाहिए, परंतु पैसे के लिए अंधे ना हो जाइए। पैसे के लिए आप हर चीज को जो है पैसे से तुलना करते हैं, कई बार उसी चीज तुलना ही जो है आपको सच्चाई से दूर भी कर देती है। हम बुराइयों के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, परमात्मा की किसी सच्चाई के लिए हम 100 रुपए खर्चते हुए भी 1000 बार सोचते हैं। किसी गरीब की सेवा करनी हो तो बड़ी बार सोचते हैं, उसको हम 50 लेक्चर देते हैं कि काम करके खा ले, ऐसे घूम रहा है, फिर रहा है, हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है, हम कुछ, हमें उससे क्या मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो अपने कर्म बना रहा है। अगर हमारे सामने कोई भूखा मिलता है तो अगर हमने उसको 2 रोटी खिला दी तो हमारा क्या चला जाएगा। आप अपनी सेवा करो। आप देखते हैं गुरुद्वारों में गुरु नानक जी की एक ही सीख थी कि जो है सेवा करो, दुनिया की सेवा करो। आज वो जो सीख इस दुनिया को दे गए है ना दोस्तों, आने वाले समय में मैं कहता हूं जैसे वाणी कहती है कि राज करेगा खालसा, और ये सच्चाई की बात है, एक दिन राज खालसे ने ही करना है। क्योंकि उसका मतलब आपको समझना होगा कि जो सच होगा ना वही जीवित रहेगा, जो सच्चाई है जिसमें दम होगा वही टिकेगा। झूठ के आधार पे कितनी भी बिल्डिंग महल खड़े कर लिए जाएं वो एक दिन ध्वस्त होने तय हैं, और जो सच्चाई का दरबार होगा वो हमेशा टिकता है। और सनातन की एक जो कहते हैं कि अंतिम जो सीढ़ी है ना वो गुरुद्वारे हैं।
सनातन हमारे हिंदू के सबसे जो अंतिम जो सबसे बड़े गुरु हुए वो गुरु नानक देव जी हुए, और इन बातों से हिंदू लोग अनजान हैं। और मैं सभी हिंदुओं और सनातनियों को ये बात कहना चाहता हूं कि आप पहले इतिहास को पढ़ें कि आपके गुरु हैं कौन, और आपके गुरु ने ही आपको ब्रह्म का उस ओंकार का जो है रहस्य दिया है, और आप उस बात को समझें। उस ओंकार के जितने भी अवतारों के चर्चा है, जैसे कि भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव, हनुमान, माता रानी, भैरवनाथ जी, ये जितने भी हैं ये अवतार हैं। ये उनके रूप लेके जो जब निर्गुण जो है साकार रूप लेकर के धरती पे आते हैं, जो ब्रह्म है जो अवतार लेकर के आते हैं, उसको नानक जी ने अजूनी जब कहा कि वो जून में नहीं आता, इसका मतलब समझिए वो जो ईश्वर की जो कॉन्शियसनेस है वो कभी जून में नहीं आती, परंतु जो शरीर ले लेता है वो इंसान कहलाता है, और शरीर के छूट जाते ही वो ब्रह्म हो जाता है, वही चेतना परम ब्रह्म हो जाती है। तो यहां पर सिर्फ कहने और सुनने का भेद है, जब आप उसकी गहराई को समझोगे, अजूनी जहां पर गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, तो उसका मतलब केवल इतना है कि वो ब्रह्म कभी शरीर नहीं लेता, ब्रह्म स्वयं कभी शरीर नहीं लेता, जिसने शरीर ले लिया वो ब्रह्म से अलग हो गया। अब जैसे मैंने ये शरीर लिया, आपने ये शरीर लिया, हमारे भीतर ब्रह्म अवश्य है, हमारे भीतर वो चेतना जरूर है, परंतु जो हमारे से बाहर है वो तो अजूनी ही है। जो हमारे से बाहर जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो अजूनी है, वो जून में नहीं आया। अजूनी इसे कहा गया, इस गहराई को हमें समझना होगा। और यहाँ पर जो है अगर हिंदू और सिख आपस में मतभेद करके बैठ जाते हैं, और ये चीज जो है समझाने वालों के समझाने का फर्क था कि उन्होंने इस बात को समझाया नहीं। मैं फिर से एक बार कहता हूं, ब्रह्म जब कोई ब्रह्म में कोई शरीर धारण कर लेता है, धारण तो ब्रह्म ने ही किया, परंतु शरीर के भीतर जो है ब्रह्म का वास जरूर है, परंतु जो शरीर से बाहर है वो अभी भी अजूनी है, वो कभी भी जून में नहीं आ सकता। लाखों अरबों शरीर ब्रह्म धारण कर ले तब भी जो है ब्रह्म अजूनी ही रहेगा। इस चीज को गुरु नानक जी ने समझाया है, और इस बात को हर एक सनातनी को समझना चाहिए कि हम जो है ये जो इस्लाम के जो लोग हैं जिस उसको अल्लाह मानते हैं, वो अल्लाह की पूजा करने में लगे हैं, अल्लाह की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को माथा टेकते हैं, उस सबसे भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जब तक ध्यान के माध्यम से आप उसमें मर्ज नहीं हो जाओगे, मोक्ष संभव नहीं है। हालांकि उनको कम से कम वो हमारे से एक स्टेप आगे गए। मोहम्मद साहब ने जब समझाया कि जो अल्लाह है वो निराकार है, और अल्लाह जो है वो इस क्रिएशन से बाहर है, यानी कि जो भी क्रिएशन है उसके सबसे बाहर अल्लाह है। इसको बड़े गहराई से समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो है मतभेद कहाँ शुरू होता है। जब रामायण का उत्तराखंड खुद ही हमें कहता है कि जो है प्रभु जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, तो हमने जो पढ़ा नहीं रामायण को, तो हम जो है अगर इस्लाम धर्म के अगेंस्ट कहीं खड़े हो जाते हैं या इस्लाम हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है, तो केवल वहां पर शिक्षा का फर्क है। समझने वाली बात थी जो लोगों को समझाई जानी चाहिए थी। एक ही स्कूल में अगर रामायण और कुरान दोनों पढ़ाई जाए और उसको विशेषज्ञों द्वारा एक एक चीज को समझाया जाए, तो मैं कहता हूं इस पूरी दुनिया से ये झगड़ा समाप्त हो सकता है। क्योंकि हिंदू जो है वो अपने ब्रह्म परमात्मा को मूर्ति समझते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो जान ही नहीं रहे कि रामायण क्लियरली कहती है कि परमात्मा जो है वो ब्रह्म है। बिन पद चलई सुनई बिन उकाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। तो जो बिन पैर के चलने वाला जो घट घट में व्यापक है उसको राम कहा है। जो उन्होंने जो दशरथ के पुत्र राम है वो उस ब्रह्म के अवतार हैं, जिन्होंने अपने उस साकार अपने निराकार दोनों रूपों को जान लिया। तो ये जो है इसमें रामायण में क्लियरली लिखा गया है कि उस ब्रह्म ने स्वयं राम के रूप में अवतार लिया, और उसी ब्रह्म ने फिर कृष्ण रूप में भी अवतार लिया। तो ये जो है लीला चलती रही, और भगवान जो है वो अवतार लेते रहते हैं, आगे भी होंगे। ये नहीं है कि भगवान के आगे अवतार नहीं होंगे, आगे भी होंगे। तो इस गहराइयों को हमें समझना है। शास्त्रों के अध्ययन से ही ये झगड़ा समाप्त हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो मारकाट आज की डेट में दुनिया के अंदर जो धर्म की वजह से लगी हुई है, वो केवल इन सारे शास्त्रों को ना समझने की वजह से लगी हुई है। अगर आप सारे शास्त्रों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और एक एक चीज को एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको इसका भेद खुलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमः शिवाय।